और पहले आप लोग खुद ट्राई करिए कि कहीं आप, क्या पता आप लोग सही कर लें। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो उसके बाद देखिए कि कैसे जो है इसको मैंने किया है, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका सॉल्यूशन मैंने समझा दिया कि कैसे होगा। कह रहे, एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% प्रॉफिट निहित रहता है, यानी ये सीपी है, 20% प्रॉफिट लेके 120 में चीज बेचता है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, हाँ है ना, और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है तो CP 100 था भैया, तो 20% प्रॉफिट लेके 120 में बेच रहा था। अब कह रहे जी अगर नया सीपी 10% बढ़ जाए, जो उसकी कोस्टिंग हो 10% बढ़ जाए, तो 110 का 10% हो गया जी 10, यानी 110 रुपये हो जाए नई कोस्टिंग, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो केवल 8% बढ़े, तो 120 का 8% निकालोगे तो मेरे बेटा आएगा 8 × 2 = 16 = 12 = 96 है ना, तो 9.6, तो 9.6 इसमें बढ़ाओगे तो ये आएगा नया सेलिंग प्राइस आपका कितना है भैया, 129.6, यानी ये नया सेलिंग प्राइस, ये नया कॉस्ट प्राइस। किसी भैया को दिक्कत है, आपत्ति है यहां तक? नहीं तो बाबू कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो हो रहा है जी 19.6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो हमें करना होगा जी 19.6 का लाभ 110 पे, तो 100 पे कितना? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट इट देन इट इज वेरी गुड, बट इफ यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग दिस देन यू कैन गो इट बाई डिजिटल सम। यहां पे आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखेंगे तो मैंने सुबह ही पढ़ाया डिजिटल सम के डेसिमल का जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां 2 आया या 9 कट गया तो 6 × 7 आया, तो डिजिटल सम के लिए 5 से नीचे गुणा करो तो 5 से ऊपर दो, 5 × 7 = 35 आया, 5 × 3 = 8 आया और नीचे 1 आ गया, तो डिजिटल सम आएगा 8। यहां देखते हैं 7 × 2 = 9 गलत है, 4 और 1 = 5, 2 = 7 ये भी गलत है, 4 × 3 = 7 = 9 ये भी गलत है, हैं ये तो सारे गलत आ रहे हैं, 8 और भाई 7 × 2 = 9 नहीं, 4 × 2 = 6 और 1 = 7 = 21.8, सारे ही गलत है। इसका अलावा ऑप्शन ने मैं टाइपिस्ट घुमा दी है कुछ ना कुछ कहानी, इसका मतलब ये ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि बिना कैलकुलेट करे ऑप्शन सही तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। आइए जरा, तो 19.6 का प्रॉफिट 110 पे, तो 100 पे कितना? देखिए मेरे बेटा पॉइंट हटाएंगे, 1 0, 2 0 से 2 0 कटा, 11 से भाग देंगे, 11 × 11 कितना बचा जी 8, और 11 × 7 = 77, 77 9 बचा, और 11 × 88 यानी लगभग 17.8% आंसर है। सारे ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन गलत है, 17.8% है, ठीक है जी, ये बिल्कुल मेरा सही उत्तर है, ठीक है ना जी। और वैसे भी यहां ये डिजिटल सम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक्यूरेट आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर है ना, वैसे भी ऑप्शन सारे गलत है, लेकिन दूसरी एक चीज ये भी कहा था सवाल में कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब आंसर एक्यूरेट। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा कि एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है, मतलब जो बेचने वाला होता है उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस उसी में उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड है। अ मैन सेल हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस, 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसका उसमें जो है वो 20% क्या है वो प्रॉफिट है, 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस का 20% उसका प्रॉफिट है। तो सपोज इसमें मैंने अगर सेलिंग प्राइस मैंने इसका क्या सपोज मांग लिया पहले 100 है, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा इसका 20%, 20% क्या हो जाएगा इसका 20, तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है प्रॉफिट 20 उसमें है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब पूछ क्या उसने कहा है कि वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाए, तो इसने 80 रुपये में पहले खरीदा है, अब उसमें अगर 10% बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 88 का हो जाएगा, जो न्यू सीपी है वो क्या हो जाएगा, न्यू सीपी कितना हो जाएगा,
10% बढ़ने के बाद 88 हो जाएगा 88 रुपीज़। और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो पहले कितने का बेचा था 100 पे, ठीक है, अब कितने पे बेचा है 8% अधिक पे, तो 108 पे बेचेगा, ठीक है। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया, न्यू सेलिंग प्राइस हो गया 108। तो अब क्या हो जाएगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका प्रॉफिट, तो नया प्रॉफिट इसका कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 88 है और उसका सेलिंग प्राइस क्या है 108, तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 का डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 से करेंगे, 4 5 4 2 4 2 4, तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा क्या है 5/22 हो गया है। तो परसेंटेज प्रॉफिट अभी कितना है 5/22, तो 1/11 क्या होता है 9.09, और तो 5/11 क्या हो जाएगा इनटू 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5/11 हो जाएगा 45.45। अब 5/11 था ना, तो अब 2 हमें चाहिए, तो इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 5/11 हमें चाहिए 5/22, तो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 22.72। तो इस तरह क्वेश्चन हो गया, तो इसकी आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और एक बार अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, ये सब गलतियाँ हो जाती हैं एग्ज़ाम में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अब जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये गलती एटलीस्ट नहीं रिपीट होगी। तो इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।